जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने कांवड़ियों को लेकर एक बयान दिया है जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल शरद यादव ने देश में बेरोजगारी बढ़ने की तुलना कांवड़ियों की भीड़ से की है। कानपुर की एक रैली में पहुंचे शरद यादव ने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है जिसका उदाहरण कांवड़ियों की बढ़ती भीड़ से साफ साफ देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों की भीड़ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में कितनी बेरोजगारी है। इनके पास काम होता तो ये सड़कों पर ना दिखते। वहीं यादव के इस बयान के बाद कई हिंदू धर्म गुरुओं ने इसका विरोध किया है। हिंदू धर्म गुरुओं का कहना है कि यादव ने शिव भक्तों की आस्था का मजाक उड़ाया है। वैसे शरद यादव के इस बयान की निंदा करने की बजाय अगर उसकी समीक्षा की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आंकड़े बताते हैं कि देश में बेरोजगारों की संख्या बड़ी है। यादव ने यहाँ सभी कांवड़ियों की बात नहीं की, बल्कि कांवड़ियों की बढ़ती संख्या पर बात की है। देखते रहिए टीपी लाइव।